2110 आयुर्वेद के अस्पताल हैं, 1585 होम्योपैथ के हॉस्पिटल हैं, 254 हमारे पास यूनानी के हॉस्पिटल हैं, 8 राजकीय आयुर्वेद के महाविद्यालय हैं, 2 यूनानी के महाविद्यालय हैं, 9 हमारे पास होम्योपैथ के महाविद्यालय हैं, 2 नए महाविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और नए बन रहे हैं, 1 आयुर्वेद का महाविद्यालय अयोध्या में बन रहा है, तो वहीं होम्योपैथ का एक नया महाविद्यालय राजकीय काशी में बन रहा है। कुल 21 राजकीय महाविद्यालय, 105 प्राइवेट और राजकीय महाविद्यालय को मिलाकर उत्तर प्रदेश में राजकीय कॉलेजों की संख्या है। आयुष का, चूंकि हमारे जो कॉलेज हैं वो एफिलिएटेड हुआ करते थे स्टेट यूनिवर्सिटीज के, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष का विश्वविद्यालय लखनऊ में गोरखपुर में बन रहा, उस महाविद्यालय से पूरे कॉलेजों का एफिलिएशन हो गया और उनकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय मुख्यमंत्री जी। पिछले दिनों आपने 413 MOCH के डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र आपके हाथों से वितरित हुआ। आज के दिन ये 393 फार्मासिस्ट का नियुक्ति पत्र आपके द्वारा वितरित होना है। ये वो लोग हैं जो जाके इस विधा को अपने से निश्चित ही, ये नौजवानों की संख्या जो उत्तर प्रदेश में होम्योपैथ को मिली है, इनसे बहुत सहयोग मिलेगा हमारे हॉस्पिटल्स को। आपने लगातार विभाग ने SEP और DPC के माध्यम से जितने भी स्थायीकरण के माध्यम से जितने भी रुके काम थे, उनके लिए हम अपने विभाग के अधिकारियों को बधाई देना चाहते कि आपने इन तमाम रुके काम को पिछले लगातार दिनों किया है, जिसके चलते हर चेहरे पर, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो शिक्षक हो, सबके चेहरे पर एक खुशी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा अगर ऐसे मिलती रही तो हम सब जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। होम्योपैथी कैसी विधा है जिसका जन्म सर हैनीमैन, जिनको कहते हैं, वो क्रिश्चियन थे और एलोपैथ के डॉक्टर हुआ करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक एलोपैथ का डॉक्टर जब अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए वो परेशान हो जाता है, तो उन्होंने अपने से अपनी बेटी का इलाज किया। 1755 में जिनका जन्म हुआ, 1843 में उनकी मृत्यु हुई, तब तक उन्होंने अपनी इस विधा को सारे संसार में पहुंचाने का काम किया। हम बड़े दावे के साथ आपसे कहना चाहते हैं कि देश में 25% लोग आज, उत्तर पूरे हिंदुस्तान की बात कह रहा हूं कि उत्तर पूरे देश में 25% लोग वर्तमान में होम्योपैथ पर भरोसा करते हैं। और एक दूसरे देश में जन्मी एक विधा जिसकी कुल उम्र आज से 270 साल होती है, इन 270 सालों में होम्योपैथी ने सारे संसार में जो प्रगति किया है, लेकिन हम बड़े फख्र से कह सकते हैं हिंदुस्तान उनमें सर्वोच्च शिखर पर है जहां होम्योपैथी फल और फूल रही है। इसके लिए भी हम इस देश के ऐसे नेताओं को, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। इस देश में 2017 के बाद इंटरनेशनल ट्रेडिशनल मेड दवाओं के लिए दुनिया के 176 देशों की दवाओं पे WHO ने चुना, तो भारत के जामनगर को चुना, जहां की आप परंपरागत जो दवाएं हैं दुनिया के देशों की, उसके लिए इंस्टीट्यूट बना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। आपने देखा कि उसका गठन दिल्ली में हुआ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवारिकपा, जिसका गठन लेह में हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी, जिसका गाजियाबाद में संस्थान बना। ये नए संस्थान, नई चीजें उत्तर प्रदेश और देश के पैमाने पर जिस तरीके से मोदी जी का और योगी जी का विजन है कि सारे संसार में, आपने योग की महत्ता को देखा, 21 जून को सारा संसार, जब आप टाइम्स स्क्वायर अमेरिका में, बिग बेन घड़ी लंदन में, फ्रांस के एफिल टावर के नीचे लोगों को योग करते हुए देखते हैं, तो हर भारतवंशी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारी इस विधा को दुनिया ने कैसे स्वीकार किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आयुष के सुवारिकपा को,
होम्योपैथ को, आयुर्वेद को, यूनानी को, योग को, नेचुरोपैथी को और दक्षिण भारत के तमिलनाडु में राज्य में प्रचलित सिद्ध की विधा को सारा दुनिया अंगीकार करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और एक बहुत हृदय की गहराइयों से मुख्यमंत्री जी, आपके चलते इन नौजवानों को एक नई जिंदगी मिली है, जिनके इन लोगों ने लगातार दिनों हम लोग को पोस्ट करते थे कि हम लोगों के साथ किस कदर कब की नियुक्ति हुई और आज नियुक्ति पत्र आपके हाथों से इनको मिलेगा। तो निश्चित ही तमाम लोगों को, आपने इन परिवारों को और इनके चेहरे पर जो खुशी आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा तोहफा है आपकी तरफ से। हृदय की गहराइयों से आपका वंदन अभिनंदन करता हूं कि ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो आयुष की विधा उत्तर प्रदेश, इस विधा में केंद्र के लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आयुष को 9 नवंबर 2014 के बाद, केंद्र के गठन के बाद से, 17 में उत्तर प्रदेश में गठन के बाद से आपने जितना आशीर्वाद दिया है, तो हम शायद सबसे अग्रणी हैं देश में इस विधा को अपने यहाँ लागू करने में। तो आपको हृदय से बधाई, आभार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आज प्रदेश सकारात्मक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है, हम सभी जानते हैं, और पिछले कुछ वर्षों में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ गुणात्मक परिवर्तन को और योग्यता के आधार पर युवाओं को रोजगार मिलते हम सब ने देखा है। ये प्रदेश और कैसे बदल रहा है, आइए इस बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए देखते हैं ये लघु फिल्म। जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और योग्यता के आधार पर युवाओं को रोजगार देश प्रदेश की तरक्की का आधार है। इसी मंत्र के अनुरूप 25 करोड़ नागरिकों के साथ खड़ी है कर्मयोगी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन मोड पर युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरी का उपहार और स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार मिला है। प्रकृति के अनुपम उपहार, प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में शुमार आयुर्वेद को नई दिशा मिली है। शरीर को स्वस्थ रखना ही नहीं बल्कि मन और प्रकृति के साथ संतुलन साधने की कला सिखाने वाले विज्ञान आयुर्वेद के नए स्वरूप और नई पहचान के प्रेरणा स्रोत हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, यानी सबका सुख सबका स्वास्थ्य। पारंपरिक विधाओं को हमेशा प्रोत्साहन देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को नए आयाम देने के लिए आयुष विभाग बनाया गया है। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना, लखनऊ एवं पीलीभीत में औषधि निर्माण शाला, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ ही योग वेलनेस सेंटर ने प्राचीन चिकित्सा पद्धति को नया स्वरूप दिया है। आप गांव-गांव और घर घर में आयुर्वेदिक पद्धति से, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार के नए माध्यम ढूंढ पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से आयुष विभाग का नेतृत्व एक विजन के साथ उत्तर प्रदेश को एलोपैथी की वैकल्पिक और भरोसेमंद प्राचीन पैथी के साथ ही कम लागत वाला इलाज प्रदान कर रहा है। आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सालय जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार दे रहे हैं, वहीं इस प्राचीन विद्या के शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ने से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। आप सभी चिकित्सा सुविधाओं को जन जन के लिए सुलभ बनाने में उपयोगी भूमिका निभाकर उत्तर प्रदेश के हेल्थ सिस्टम को नए आयाम देंगे। सपने हो रहे साकार, डबल इंजन की सरकार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में कई स्तरों पर अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं और राज्य सरकार के अनेक विभागों में जो निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साथ योग्य अभ्यर्थियों का चुनाव हो रहा है, प्रदेशवासियों और स्वयं चयनित
उम्मीदवारें होती हुई यह एक ताजी हवा के झोंके की तरह है जो हम सबको नित नई ऊर्जा दे रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री प्रवीर कुमार जी और उनकी टीम के अथक प्रयासों से चयनित फार्मासिस्ट जो आज से नए जीवन अपना प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनमें से यद्यपि तो 393 हैं, आप सब हमसे अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे लेकिन समय की कमी है, लिहाजा आप में से कुछ हमसे अपना अनुभव साझा करेंगे। किस प्रकार आपका चयन हुआ? सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं हरदोई के मोहम्मद आरिफ को, कृपया माइक उन तक पहुंचाएं। हरदोई के मोहम्मद आरिफ जी अपनी बात हमसे करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी व मंत्री जी तथा सभागार में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं मोहम्मद आरिफ पुत्र जमील अहमद बेनीगंज जनपद हरदोई का निवासी हूं। मेरा चयन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पद पे हुआ है। मेरे और मेरे परिवार के लिए ये एक खुशी का क्षण है क्योंकि मैं अपने परिवार से अकेला ऐसा सदस्य हूं जो सरकारी सेवा में आया हूं। तथा मेरा सौभाग्य कि मुझे नियुक्त पत्र माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही मैं वचन देता हूं, मुझे सरकार उत्तर प्रदेश सरकार और विभाग द्वारा जो भी दायित्व दिया जाएगा मैं उसे पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद आरिफ, बहुत बहुत धन्यवाद। भावुक क्षण है आप सबके लिए, हम सबके लिए। इसके पश्चात मैं आवाज दे रहा हूं प्रयागराज के श्री विवेक मिश्र को। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी एवं सभी अधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं विवेक मिश्रा संगम नगरी प्रयागराज का निवासी हूँ। मेरा चयन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के पद पर हुआ है। मैं प्रफुल्लित भी बहुत हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने पूरे परिवार की तरफ से सहृदय धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी भी एक चिकित्सक हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वास्थ्य सेवा में दिया है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज मुझे भी अवसर यही प्रदान हो रहा है कि मैं अपने पिताजी की रीति को आगे बढ़ाऊंगा। मैं यह वचन देता हूं कि मेरे विभाग द्वारा दिए गए सारे दायित्वों को मैं अच्छे और मन ईमानदारी मन से निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरदोई के शुभम सिंह, हरदोई के शुभम सिंह जी अपनी बात हमसे करेंगे, स्वानुभूत अनुभव। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी व सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मैं शुभम सिंह जनपद हरदोई से सादर प्रणाम करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के अंतर्गत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समस्त नवचयनित अभ्यर्थियों का पूर्ण निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चयन किया गया है। समस्त नवचयनित अभ्यर्थियों को स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए राजकीय स्वास्थ्य सेवा में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है जो कि हम सभी के लिए बहुत ही अविस्मरणीय एवं गौरवपूर्ण क्षण है। ये मेरे लिए ही बहुत गौरवपूर्ण अविस्मरणीय क्षण इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ जहाँ मेरे पिताजी एक सामान्य किसान और माताजी एक गृहिणी है। मैंने बहुत विषम परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए राज्य की स्वास्थ्य सेवा में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है जो कि सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की निष्पक्ष कार्यप्रणाली के चलते ही मिला हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार पुनः फिर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा यह वचन देता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार व विभाग द्वारा मुझे जो भी दायित्व सौंपे जाएंगे उनका मैं पूर्ण सत्य निष्ठा एवं लगन के साथ निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटों के बाद अब बेटियों की बारी। मैं आवाज दे रहा हूं देवरिया की संजना भारती जी को। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी एवं अधिकारीगण तथा सभागार में उपस्थित सभी नवचयनित फार्मासिस्ट साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं संजना भारती पुत्री श्री द्वारका प्रसाद जिला देवरिया की निवासी हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सहृदय धन्यवाद करती हूँ जिनके कर कमलों से आज होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। मैं एक किसान परिवार से हूँ। मैंने बचपन से ही अपने पिताजी को संघर्ष करते हुए देखा है। तभी से मेरे अंदर एक स्वाभिमान की भावना थी कि मैं आत्मनिर्भर बनूं। आज उत्तर प्रदेश सरकार की निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्य प्रणाली के वजह से मेरा यह सपना साकार हो सका है। आज मैं
गर्व से कह सकती हूँ कि मैं आत्मनिर्भर प्रदेश की आत्मनिर्भर बेटी बन चुकी हूँ, जिसके लिए मैं तथा मेरा पूरा परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव ऋणी रहेंगे। मैं आज शपथ लेती हूँ कि मुझे अपने विभाग द्वारा जो भी दायित्व दिए जाएंगे उसको पूरी ईमानदारी, निष्ठा एवं शुद्ध अंतःकरण से मानव हित के लिए करूंगी। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सहृदय धन्यवाद करती हूं तथा अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। संजना जी बहुत धन्यवाद। और अब लखनऊ की साधना मौर्य जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आदरणीय अधिकारीगण को सादर प्रणाम। मैं साधना मौर्य पुत्री से सुभाष चंद्र मौर्य जनपद लखनऊ से हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सहृदय धन्यवाद करती हूँ जिनके कर कमलों द्वारा हमें आज यह नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा। आपकी निष्पक्ष प्रणाली की वजह से मैं अपने परिवार की दूसरी पुत्री हूँ जिसको आज सरकारी सेवा का अवसर प्राप्त होगा। आपकी इससे पूर्व मेरी बड़ी बहन आपकी ही सरकार में प्राथमिक शिक्षा सेवा में का अवसर प्राप्त हुआ तथा यह क्षण मेरे व मेरे परिवार के लिए अविस्मरणीय तथा गर्व की बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सरल शब्दों में आपने अपनी बात कही और अंत में मैं रायबरेली की सुश्री वर्षा शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा, कृपया अपने अनुभव हमसे साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सभागार में उपस्थित सभी मेरे नौ चयनित कार्मिकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं वर्षा शुक्ला, पुत्री श्री सतीश चंद्र शुक्ल, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जनपद रायबरेली की निवासी हूँ। मेरा चयन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के पद पर हुआ है, जिसकी परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ कराई गई, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन मुझे यकीन था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मुझे मेरी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। और आज यह क्षण आ गया है, मुझे यह नियुक्ति मिल रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियां हमेशा युवा सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण और जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, जिसके कारण आज सुचितापूर्ण तरीके से मेरी नियुक्ति पूरी हुई। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करती हूँ कि मैं सदैव अपने पद की गरिमा बनाकर रखूंगी और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करूंगी। अंत में मैं यह कामना करती हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। इस सभागार में 393 नव नियुक्त फार्मासिस्ट हैं। संभवतः सभी के हृदय में यही बात होगी और आपकी बातों का प्रतिनिधित्व इन छह ने किया। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, वो समय आ गया है जिस घड़ी की प्रतीक्षा हम सबको थी। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया मंच के अग्रभाग में आकर आप सभी को प्रमाण पत्र वितरित करें। हमारे हित चिंतक और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब नव चयनित फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं हरदोई के मोहम्मद आरिफ को, कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए दूसरे। उसके बाद जालौन के श्री आदित्य सिंह, जालौन के आदित्य सिंह इस समय मुख्यमंत्री महोदय से पत्र प्राप्त। लखनऊ की स्वाति वर्मा, देवरिया के रणजीत प्रसाद, तालियां रुकनी नहीं चाहिए हमें देखना है। लखनऊ की नताशा गौतम, सीतापुर के रंजीत यादव, रायबरेली की प्राची त्रिपाठी, लखनऊ के अश्वनी यादव, बहराइच की गरिमा शुक्ला और प्रतापगढ़ के श्री मानेंद्र शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने 10 को स्वयं अपने घर कमलों से उनका नियुक्ति पत्र दिया। मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रदेश को आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा अभिभावक
हमें मिला है। उत्तराखंड की यात्रा के तत्काल पश्चात वो परसों सिंधी समाज को शाम को संबोधित कर रहे होते हैं। उसके अगले दिन यानी बीते कल वो उन्नाव में 804 करोड़ रुपए की विकास परक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे होते हैं और उसके ठीक अगले दिन यानी आज आप सबको नियुक्ति पत्र बांट रहे होते हैं। तालियों के साथ स्वागत करिए बिना एक दिन का भी अवकाश लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता को समर्पित उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। कृपया अपने आशीर्वचन के लिए पधारें माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी। आयुष विभाग के अंतर्गत होम्योपैथ विभाग के 393 फार्मासिस्ट को नवचयनित फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आयुष विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव आयुष श्रीमती लीना जौहरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग श्री प्रवीण कुमार जी, आयुष विभाग के सभी अधिकारीगण, नवचयनित होम्योपैथ फार्मासिस्ट, उनके अभिभावकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से चयन की प्रक्रिया के संपन्न होने और 393 होम्योपैथ फार्मासिस्ट के सफलतम नियुक्ति होने के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर मैं आप सभी नवचयनित होम्योपैथ फार्मासिस्ट को प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। विगत 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी इसका उदाहरण भी है। आप याद करिए आयुर्वेद